जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं अपना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2022 जिस वैकेंसी के बारे में, जिनकी मेडिकल फिजिकल के बारे में मेडिकल होनी है उसी के बारे में बात करेंगे। मेडिकल में मेरे साथ क्या क्या हुआ था, आपके साथ क्या क्या होगा, किस तरह से प्रोसेस होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होगा, तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या अभी से क्या करनी है, और बाकी बाद में आपको बताएंगे जैसे जैसे प्रोसेस बढ़ेगी उस तरह से आपको नए नए वीडियो के साथ आपको नया नया बताएंगे क्या क्या करना है, किस टाइम क्या करना है, ठीक है। और अभी के आपको ये सजेशन दूंगा कि आप अभी अपने आप को सेफ रखिए, आराम से सेफली तैयारी कीजिए रनिंग की, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप अपने आप को सेफ रखते हुए आप जो भी काम करते होंगे सुरक्षित से अच्छे से काम करते होंगे। पीटी के तैयारी के साथ अपने पढ़ाई को जारी रखिए, जिनकी थोड़ा नंबर कम है, जिनकी सिर्फ फिजिकल लगता है कि हमें फिजिकल के बाद हमें मेडिकल के बाद फिर सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन नहीं होगी, तो अपनी तैयारी लगातार करते रहें। जो वैकेंसी नई नई निकलती है, जैसे आपको बीएसएफ की वैकेंसी आ रखी है, आरओगी जो रेडियो ऑपरेटर है, रेडियो और सीआरपीएफ ट्रेडमेंट की वैकेंसी अच्छी खासी वैकेंसी है, और सीआरपीएफ का आपको बताया था वेतन के बारे में कितनी अच्छी वेतन मिलती है, आप वीडियो देख लीजिएगा मेरे चैनल में जाकर। तो जो जिनकी थोड़ा नंबर कम है वो अपनी लगातार तैयारी करते रहें, और जिनकी अच्छे नंबर है वो अपने होल्ड भी कर सकते हैं, अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं कि हमें अपनी नौकरी लग जाएगी। जिनकी कम से कम 10 से 15 नंबर एवरेज अच्छा हो, बिहार स्टेट जैसे जहाँ जिस स्टेट में कट ऑफ अच्छी जाती है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं कि मेडिकल में जब मेडिकल हुआ था उस टाइम क्या क्या प्रोसेस था। देखिए, जब पहला दिन मेडिकल मेरे पास 2-3 दिन में मेडिकल हुआ था, तो पहले दिन में जब हम गया था तो 6 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था। 6 बजे के बाद आपको जब अंदर गया, एंट्री किया, तो बैठाए बैठने के बाद फिर डॉक्यूमेंट्स करीब हमको डॉक्यूमेंट जमा लेते चेक होते होते 12 बज गया था। बीच में नाश्ता अंदर रहते कैंटीन, वहाँ से खाना वाना खा लेते हैं, तो डॉक्यूमेंट चेक हुआ, डॉक्यूमेंट्स का फिर तुरंत मेडिकल हुआ। तो मेडिकल में क्या क्या चेक हुआ, पहले चीज़ में मेडिकल में मेरे अंदर जब एक क्या बोलते हैं तंबू की तरह, मतलब कैंप की तरह बनाया हो रहा था, पर्दा की जो बनती है सिर्फ फौज में रहती है, वो कैंप था, उसके अंदर जाकर एक बार में 8 से 10 लोगों को मेडिकल होती है। तो मेडिकल में क्या क्या हुआ, एक नया वीडियो आपको मेडिकल में क्या क्या, पहले तो बता देता हूँ क्या क्या हो रहा। पहले देखिए, आपको हाथ चेक हुआ था, हाथ चेक करना पहले नोकनी चेक होती है, नोकनी बवासीर चेक होती है, कान चेक होती है, आँख चेक होती है, नाक चेक होती है, और कभी कभी ना कहीं कहीं आपको गाना गवा कर चेक करते कि आपकी आवाज़ कैसी है, इस तरह से चेक करते हैं कहीं आपको ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है आवाज़ बोलने में, इस तरह से आपको चेक करते हैं। और फ्लैट फुट, बहुत लोगों को फ्लैट फुट भी चेक करते हैं कि आपको पैर में फ्लैट फुट है कि नहीं, तो फ्लैट फुट क्या होता है, और नोकनी में अगर जिनकी नोकनी है या फिर फ्लैट फुट है उन्हें कैसे बचें और किस तरह से पास हो जाए, हाथ में दिक्कत है तो फिर किस तरह से पास हो जाए, अगर हम बाई चांस रीमेडिकल कर देता है तो उसे रीमेडिकल में हम क्या करें जो हम मतलब हम पास हो जाए। तो इस बारे में हम हर चीज़ के अलग अलग ढंग से और अलग अलग वीडियो बनाकर आपको बताऊँगा, जिससे आपको दिक्कत होती है। बहुत सारे वीडियो हो जाते हैं कि लंबा वीडियो होने की वजह से दिक्कत होती है, बहुत लोग स्किप करके चले जाते हैं, तो बहुत चीज़ें मेन चीज़ आप छोड़ देते हैं, छूट जाती है, तो शायद वो उनके मिल नहीं पाते, उनके जहाँ जो हम बताना चाह रहे हैं वो जान नहीं पाते। इस वजह से आपको छोटा छोटा वीडियो करके बनाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। हमने बहुत लंबा वीडियो बनाया था, उसमें देखा था बहुत लोग स्किप करके देखते, तो ये हमें लगा कि वो मेरी मेन चीज़ जो बताना चाहूँ, जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो गलतियाँ हमने की, तो ये गलतियाँ अभी कर दीजिए जी, मेरे वीडियो बनाने का मतलब ही नहीं रहेगा आपको बताने का। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, आप हमारे वीडियो को, हमने ये नहीं कहता कि आप पढ़ने के टाइम में देखिए, आप कुछ खाना खा रहा है या फिर कुछ अदर काम कर रहे हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं मेरे वीडियो। ऐसे नहीं कि आप वीडियो देख कर ही, मतलब चेहरा देख कर ही आप कर सकते हैं। अब वीडियो अगर वॉइस ही सुनते हैं मेरे, मैं अपना वॉइस पहुँचाने चाह रहा हूँ आपके पास, अगर मेरा वॉइस भी आपके पास सुन रही है, आप मतलब खाना खाने के टाइम भी आप देख रहे हैं, तो यूँ ही आप 10-5 मिनट आप देख सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात, हम जो भी बात कर रहे हो फालतू बात हम बिल्कुल नहीं करता कि अब आपको मोटिवेशनल वीडियो शायरी दे दूंगा और शायरी देकर आपको मोटिवेट कर दूंगा, मोटिवेटर से कुछ नहीं होता। आपके पास मेन चीज़ पॉइंट चाहिए, जो हमने गलतियाँ की वो गलतियाँ आप ना दोहराएं, मेरा मोटिव बस वीडियो का मकसद यही है, ठीक है दोस्तों। फिर नए वीडियो में जो बताया आपको नोकनी में क्या प्रॉब्लम होती है, फ्लैट फुट नोकनी और एल्बो जो हाथ की प्रॉब्लम होती है उसमें कैसे बचे, और जब रीमेडिकल होती है तो फिर हम किस तरह से तैयारी करके, और हम रीमेडिकल में जब होती है तो क्या क्या प्रोसेस हुआ था, जब मेरे टाइम में रीमेडिकल हुआ था तो उन्हें क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता। बहुत लोग, मेरा एक दोस्त था जो रीमेडिकल में रीमेडिकल दिया और कुछ गलतियाँ की और वो मतलब सिलेक्शन नहीं होता, बहुत से ऐसे दोस्त थे जो मेरा रीमेडिकल देख कर और रीमेडिकल हुआ था कोई दिक्कत नहीं, वो ऐसा काम किया वो पास हो गया। तो जो वो काम किया जिससे वो रीमेडिकल में वो पास होकर अब ज्वाइनिंग कर लिया, वही आपको टिप्स बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं जो भी देता हूँ मैं बार बार बता रहा हूँ कि वीडियो को खाना खाते टाइम भी देख सकते हैं, कुछ भी करते करते टाइम देख सकते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, जय हिंद।